नमस्कार टुडे टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ओमी राष्ट्रा। प्रस्तुत है टुडे टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। माल रोड पर शेरे पंजाब रेस्तरां के समीप पानी के टैंकर द्वारा एक महिला को कुचले जाने के बाद राज्य सरकार, जिला प्रशासन तथा नगर निगम शिमला के दामन पर जो दाग लगा है उसे शिमला के इतिहास को दागदार बना दिया है। शिमला का माल रोड हिमाचल में ही नहीं पैदल चलने वालों के लिए देश में सबसे सुरक्षित माना जाता है। प्रस्तुत है संवाददाता प्रियंका चौहान की रिपोर्ट। शिमला में अभिभावक अपने बच्चों को बिना किसी खौफ के स्कूल भेजने से नहीं हिचकते। ऐसे में नगर निगम के पानी के टैंकर द्वारा महिला को कुचले जाने के बाद स्थानीय तथा पर्यटकों में खौफ उत्पन्न हो गया है। माल रोड पर नगर निगम के दौड़ते पानी के टैंकर तथा कचरे के टिप्पर अब सामने आती मौत के समान दिखते हैं। प्रश्न ये है कि नगर निगम आखिर टैंकर के माध्यम से जनता को पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्यों विवश है? क्या पानी की पाइपों से सप्लाई करने में नगर निगम प्रशासन का तंत्र फेल हो गया है, या फिर पाइपों के सूखे हलक से घबराकर टैंकरों के माध्यम से नगर निगम वीआईपी माने जाने वाले उन अकाओं को खुश करने में जुटी है जिन्हें टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध ना करवाने का आदेश हाई कोर्ट ने जारी किया है। ऐसे वीआईपी पर नगर निगम के अधिकारियों की मेहरबानी का परिणाम है कि जनता की पानी की टैंकियां चाहे सूख चुकी हो, वरिष्ठ अधिकारियों की टैंकियां पानी से लबालब भरी है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ वर्ष पहले भी टैंकरों के माध्यम से शिमला को पानी सप्लाई ना करने की हिदायत दी थी। यदि हाई कोर्ट ने इस हिदायत को नगर निगम ने गंभीरता से लिया होता तो शायद आज एक महिला की असमय जान ना जाती।